राजस्थान में भी बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है, जैसे कि हमने न्यूज 18 और आज तक के एग्जिट पोल में देखा 100 से 110 के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं कांग्रेस को 90 से 100 और अदर को भी अन्य को भी 5 से 15 सीटें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 36 से 46 सीटें बीजेपी की स्थिति यहां भी काफी अच्छी है, कांग्रेस के खाते में 40 से 50 और अन्य के खाते में 1 से 5। कहां मुझे लगता है कि कात्यायनी जी इसका जवाब बड़े अच्छे से दे पाएंगी। मुझे लगता है इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं इंटरनेट मीडिया का जो इस्तेमाल था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल था, उससे ये युवाओं को साधने का बड़ा जो वो कवायद की गई वो बड़ी काम आई मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों के, और इसी वजह से वोट परसेंट बढ़ा दोनों राज्यों में। हमने देखा तीनों राज्यों में 2-2% का वोट परसेंट बढ़ा है, और जो 22 लाख और 23 लाख 33 लाख 18 जो आंकड़े हैं जो युवाओं के नए वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासत बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है कि इंटरनेट मीडिया का वाकई असर हुआ है या नहीं? नहीं अमन, मैं पहले तो हमारे जो साथ कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो मुझे कह रही थी कि महिलाओं को, भाई मैं बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर तो बैठी नहीं हूँ और ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, तो आपस की सिर फुटा हुआ अपने पास रखे। लेकिन मैं जो बात देख पा रही हूँ, जो हम जिस नजरिए से देखते हैं जनता, वो दिखा रही है साफ तौर पर, और वो दिखा रही है तभी स्क्रीन पर ये सीट के आंकड़े आ रहे हैं। राजस्थान में वो कहती हैं कि भाई रोजगार बहुत मुबारक राजस्थान की जनता को, इस स्टूडियो से हम सब बधाई देते हैं कि राजस्थान आज बेरोजगार मुक्त प्रदेश हो गया इनके मुताबिक तो, और फिर महिलाओं के साथ वहाँ कोई अत्याचार नहीं होता। हमने पीछे दुनिया भर की खबरें महिलाओं के अत्याचारों पर देखी हैं और हमने मीडिया ने दिखाया कि प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं वो एक महिला होकर वहाँ नहीं पहुँच पाई। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार किस तरह से उनके ऊपर राजस्थान में हाल की खबरें हैं, और उन खबरों पर प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाती हैं। कांग्रेस बीजेपी जो कह रही है कर रही है, यहाँ बात इसकी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। लोगों ने बढ़ चढ़ कर जब भी वोट दिया, खासतौर पर महिलाओं को हमने देखा, मोदी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट करती हैं महिलाएं, और वो हमने जो आंकड़े आते हैं बाद में चुनावों के कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया, जिन जिन संभागों में महिलाओं ने वोट किया, जिन जिन प्रदेशों में, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सिरफुटवल किसने नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी में अगर पोस्टर छीन लिया, क्या कर दिया, पता नहीं क्या क्या, मैं उस लिहाज से भी देखूं तो मैं कह रही हूं कि अनुशासन देखिए वहां पर ना आप। जनता क्या देख नहीं रही है, लोग नहीं देख रहे हैं, और वो वोट कन्वर्ट होता है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी, पूर्वी राजस्थान में देखिए ना, पूरा गुर्जर समाज जो है वहाँ वो कांग्रेस के लिए एक तरह से मुसीबत बना हुआ है वहाँ कि इन्होंने वोट किसको कर दिया, क्योंकि वो पूरे लोग नाराज हैं सचिन पायलट के साथ जो बेतरघात हुआ उससे नाराज हैं वहाँ के लोग। और वही पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई अमन मुझे दिखाई दे रही हैं।